दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जेकोबियंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका कई जगह यूज किया जाता है। तो हम इसका सबसे पहले फार्मूला पढ़ेंगे। तो इफ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, देन डिटर्मिनेंट तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये डिटर्मिनेंट के अंदर हम तो इसको एक्सपेंड करके ये लिखा है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो जो इसको कहा जाता है इसी को कहते हैं जेकोबियन, इज कॉल्ड द फंक्शनल डिटर्मिनेंट या जेकोबियन, जेकोबियन ऑफ द वेरिएबल्स यू कॉमा वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड is denoted y del u comma v upon del x comma y, yeah, simply j u comma v. तो जो डिटर्मिनेंट के अंदर जो लिखे होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, तो इसका क्या हमने एक्सपेंड करके ये इसकी वैल्यू आ गई, तो इसे क्या कहते हैं जेकोबियन कहते हैं। जेकोबियन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जे से किया जाता है और यू कोमा वी। देखिए यू कोमा वी क्या है, हमारे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं एक्स और वाई। यहाँ पे x और y क्या है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऊपर लिखा गया, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो नीचे लिखा गया। यदि हम डिटरमिनेंट के अंदर जो है रो कॉलम को क्या इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है। तो हमने रो कॉलम को डिटरमिनेंट के अंदर चेंज कर दिया है, तो जो हमारा जे यू वी, जे यू कोमा वी बराबर डेल यू कोमा वी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई, तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए यहाँ पर क्या था, ऊपर साइड में क्या था, इसमें यू के सापेक्ष एक्स वाई का क्या पार्शियल डेरिवेट किया गया, नीचे वी के सापेक्ष, नीचे जो है एक्स और वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेट किया गया। इसी प्रकार से इसमें क्या हमने चेंज कर दिया रो को कॉलम में, तो देखिए क्या आया डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या था डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये कहाँ आ गया रो में आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये जो हमारा कॉलम में था वो कहाँ पहुँच गया, जो हमारा रो में था वो कहाँ पहुँच गया कॉलम में, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। जो हमारे थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थ्री डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यू बी और डब्ल्यू और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो हम इसका जो जेकोबियन लिखेंगे डेल यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, ऊपर क्या लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे इंडिपेंडेंट एक्स वाई जेड बराबर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, और ये सभी डिटर्मिनेंट के अंदर होंगे।
तो इसको सिंपली हम इस तरीके से कह सकते हैं, ये जो होगा जे यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू के बाद। तो हम कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स इस पर सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन है, इफ़ एक्स बराबर आर कॉस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा देन फाइंड डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल आर कोमा थीटा एंड डेल आर कोमा थीटा अपॉन डेल एक्स कोमा वाई। ये आगरा 2006 2007 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालें। तो इसका हम क्या लिखेंगे, जैकोबियन लिखेंगे। तो डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल आर कोमा थीटा। तो इसको हम इस तरीके से, जे कोमा एक्स कोमा वाई बराबर तो यहाँ देखिए क्या, जब भी जैकोबियन लिखा जाता है, जो ऊपर लिखा जाता है आंसर में, वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो नीचे लिखे जाते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, ये पार्शियल डेरिवेटिव। इसी प्रकार वाई के सापेक्ष डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा, इन सब की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो एक्स बराबर दे रखा है और वाई बराबर दे रखा है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा और ये वाई बराबर आर साइन थीटा। तो देखते देखिए, जो एक्स है हमारा वो आर और थीटा का फंक्शन है। एक्स जो है वो हमारे आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसी प्रकार बार की वाई क्या है, आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इसे एक्स बार एक बार आर के सापेक्ष पार्शियल करेंगे और थीटा के सापेक्ष। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर बराबर यह जाएगा कॉस थीटा और थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का आर साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल आर हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा थीटा, आर के सापेक्ष करेंगे तो उसका वन हो जाएगा। इसी प्रकार हम थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल थीटा बराबर ये हो जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि आर को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे और साइन थीटा का आ जाएगा जो डेरिवेटिव पार्शियल वो हो जाएगा कॉस थीटा। तो इन सब की वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं डिटरमिनेंट के अंदर। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू है कॉस थीटा और इसकी वैल्यू है माइनस आर साइन थीटा और इसकी वैल्यू है साइन थीटा और इसकी वैल्यू है आर कॉस ऑफ थीटा। अब इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर देंगे, इसकी वैल्यू ये आएगी कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का आर साइन थीटा। तो ये डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल आर कोमा थीटा बराबर तो ये आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन आ जाए तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपली आर इंटू वन। तो डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल आर कोमा थीटा बराबर आ जाएगा आर। ये होगा हमारा आंसर पहले वाली जैकोबिन का। अब हमें निकालना दूसरे वाले जैकोबिन की वैल्यू। तो दूसरे की वैल्यू निकालने, तो दूसरा हमारा डेल आर कोमा थीटा अपॉन डेल एक्स कोमा वाई। अब देखिए यहाँ पे आर कोमा थीटा पहले वाले में क्या था, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। अब यह क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह एक्स और क्या बनाने हमें, ये बन गया इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने इसको लिख लिया डेल आर, एक आर को एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है और वाई के सापेक्ष लिखा हुआ है। इसी प्रकार थीटा के सापेक्ष, सॉरी थीटा जो है एक्स के सापेक्ष उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव लिखा हुआ और वाई के सापेक्ष।
तो हमारा जो फंक्शन दे रखा है x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, तो इसमें r और थीटा को हमें क्या बनाना, वो डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना, x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना। देखते हैं, तो इस पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये बराबर, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो जो आर है हमारा अब क्या बन गया, वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। किस पे डिपेंड कर रहा, ये एक्स और वाई पे। तो ये दोनों क्या बन गए हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा राइट की तरफ होते हैं बराबर के, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, जो थीटा हमारा डिपेंड कर रहा है वाई अपॉन एक्स पे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो इस रिलेशन से पहले वाले रो के लिए वैल्यू निकालेंगे और इस रिलेशन से वो सेकंड वाले रो के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहले वाले रो में फर्स्ट वाला जो है डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो इसको एक्स को इस रिलेशन को एक्स के सापेक्ष जो है पार्शियल डेरिवेट कर देते हैं एक बार, तो आ जाएगा टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर टू एक्स प्लस जीरो। तो यह जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स अपॉन आर। इसी प्रकार वाई के सापेक्ष करेंगे तो यह जाएगा टू आर अपॉन डेल वाई बराबर जीरो प्लस टू वाई। तो ये रिलेशन आएगा डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर वाई अपॉन आर। अब इसे एक्स के सापेक्ष कर देते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर तो एक अपॉन वन प्लस का वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर ये आएगा, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर आ गया माइनस का वाई अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार हम वाई के सापेक्ष करेंगे इसको पार्शियल डेरिवेटिव, डेल थीटा अपॉन डेल वाई बराबर एक अपॉन वन प्लस का वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू एक अपॉन एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू वन वाई एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर तो बराबर एक्स अपॉन आर। तो इन सभी की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो वैल्यू रख दी तो हमारे पास आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ये आएगा एक्स अपॉन आर इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो y अपॉन आर स्क्वायर इंटू वाई अपॉन आर। तो डेल आर अपॉन डेल थीटा डे अपॉन डेल एक्स वाई बराबर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यू प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब वन वाई आर। तो डेल आर कॉमा थीटा अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई बराबर आ गई वैल्यू इसकी वन वाई आर आ गई।
तो इसकी वैल्यू निकल गई, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने यहाँ रिमार्क भी लिखा हुआ, जो पहले वाले का जो जे के विन वैल्यू और दूसरे वाले का जे के विन वैल्यू आपस में गुणा कर देते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।